एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर नितेश। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं अपनी रेस्टोरेंट के ऊपर आपको मैंने बोला था जो कि मैं फुल वीडियो लाऊंगा वो वाला वीडियो होने वाला है। तो सामने आने वाला है एक बहुत प्यारा सा ब्रिज और वहाँ से एक लुक बहुत प्यारा आएगा अपना। तो वहाँ मैं आपको अपनी बाइक का पूरा दिखाऊँगा, जो नई एक्सेसरीज लगी है, क्या क्या इसके अंदर नया आया, क्या पुराना जो अटैचमेंट है कुछ नया आना है, तो वो मैं सब आपको ऊपर दिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा गाड़ी खींचते हैं ताकि मज़ा आएगा। इसका साउंड बहुत प्यारा है गाइस, कुछ भी बोलो। तो ये वो जगह है जहाँ मैं इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा, जो आफ्टर एक्सीडेंट के बाद में मेरी बाइक के अंदर क्या क्या नया आया है। मेरी जान क्या जगह है, एक तो भाई देखने में ही बहुत प्यारी लगती है। तो लुक एट दिस, ये अपना बीस्ट जो कि आफ्टर 1.5 महीने बाद कुछ ऐसा लग रहा है और काफ़ी भाई मतलब कह सकते हो अब एक अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह भी आ चुका है बाइक के अंदर। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं, एक तो इसका बैटरी का इशू आ रहा है, शायद तक बैटरी ढंग से चार्ज नहीं हुई है, एक तो वो वाला है। बाकी बाइक की कंडीशन देख सकते हो आप, ब्लैक में बहुत प्यारा मॉन्स्टर लग रहा है। और मैंने काफ़ी जनों से पूछा भी है कि भाई इसका नए नाम के लिए मुझे सजेस्ट करना, तो अपन एक बार इसके कुछ छोटे से शूट लेने की सोच रहा हूँ मैं, अगर मेरे से होगा तो सिनेमेटिक शॉट लेते हैं ताकि बाद में आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या हुआ है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल दो पल। सो गाइस, आगे की जानकारी है जो मैं मोबाइल से शूट करूँगा क्योंकि कैमरे से मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी एक बार आप गाड़ी का 360 में पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको, कैसे क्या लग रही है। तो ये देख सकते हो आफ्टर 360 व्यू आपको कैसा लगा कमेंट बताना। और जो कुछ मेरी एक्सेसरीज थी वो मैंने पहले ही वाली डाली है, जैसे पीछे वाले जो इंडिकेटर मेरी थे तो वही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और रात को इसका लुक बहुत प्यारा आता है, भाई देख सकते हो एग्जॉस्ट के ऊपर भी खतरनाक स्क्रैच आ रुके हैं, मतलब खतरनाक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर की एक्सेसरी। तो फर्स्ट एक्सेसरी में बताता हूँ इसका, जो आगे का पूरा आप कह सकते हो लाइटिंग का, ये जो सेट है ये पूरा नया आया विथ वाइजर वगैरह, पूरा मतलब फ्रेम में ही आई है आगे की, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है। और आगे के जो हैंडल है वो दोनों नए आए हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों हैंडल है जो भी नए आ रखे हैं, और पीछे का जो ये टैल थे वो भी पूरा नया है। और इसके मैं तो क्या याद आ रही है, हाँ एक ये वाली जो चीज़ है दोनों साइड की, आप ये दोनों देख सकते हैं, ये दोनों भी ब्लैक है। और मुझे एक छोटा सा कुछ इशू लग रहा है, पता नहीं आपको क्या सजेशन रहेगा। अब अपना बाइक पूरा ब्लैक हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ ये वाले जो स्टिकर हैं इसके नीचे भी लगा रखे हैं, अगर आप मेरे को कमेंट करते हो तो मैं इनको भी हटाने का ट्राई करूँगा। तो ये कुछ लुक था अपनी बाइक का, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अब धीरे धीरे व्लॉग्स में आपको भी मज़े आने लगेंगे। बाकी एक बार कमेंट करना कि जो ब्लैक मॉन्स्टर लग रहा है अपना इसका कैसा लग रहा है। और मैंने एक बहुत प्यारा नाम सोच रखा है, लेकिन मैं उससे पहले अपनी जनता को पूछना चाहूँगा कि अपना क्या नाम रखा जाए। भाई ने देखा मतलब है जब, तो मुझे एक नाम की ज़रूरत है, मैं सोच रहा हूँ इसका नाम कुछ चेंज करके नया रखा जाए। भैया मज़े कर रहे हैं, तो मुझे एक प्यारा सा नाम सजेस्ट करना जो हम इसका नाम रख सकें। मेरे माइंड में भी एक नाम आ रखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रखूं। लेकिन उससे पहले भाई अपना बाइक है जो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है बाइक का, और सबकी नज़रें नहीं टूट रही भाई, ऊपर से इसका एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो चुका है। और ये देखो भाई, आप दूर से देखोगे ना खुद बोलोगे भाई बाइक क्या प्यारी लग रही है। और जो नियॉन पट्टियाँ हो रखी हैं मैं उनको भी शायद तक हटा दूँगा, ये जो नाम वगैरह लिखे थे मैं पूरा गाड़ी को ब्लैक करने की ट्राई करूँगा। और उसके बाद भाई बाइक तो खतरनाक दिख रही है,
बाकी गाइस कमेंट में बताना अपना बाइक है जो कैसा लग रहा है आपको ब्लैक कलर में, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और आपको आ रहा है या नहीं आ रहा वो पता नहीं, आप मुझे कमेंट करना कि कैसा क्या लग रहा है। बाकी ब्लैक में बाइक गाड़ी कुछ भी बोलो मॉन्स्टर लगती है, तो अपना तो फर्स्ट ओपिनियन यही है अपन बाइक को पूरा एवन रखेंगे और ना आप किसी को बाइक देंगे। अगर कोई भी कितना भी बोलता है भाई मुझे बाइक की ज़रूरत है, मना कर दो भाई, मैं रसगुल्ला ये बोलूँगा अपनी पर्सनल बाइक किसी को मत दो, हो सके जितना खुद का सेफ रखो और सामने वाले को तो मना करो उसमें बेटर है। बाकी तो भाई उम्मीद करते हैं आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या पसंद आया होगा, अगर कुछ भी पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय गाइस, पीस आउट गाइस, और नया नाम कमेंट करना गाइस।